नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन दिल्ली स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। शनिवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मिशन हिमाचल पर पहुंचे, जहां कुल्लू में केजरीवाल ने तिरंगा यात्रा निकालकर आप कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने यहां बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं राजनीति करने नहीं भ्रष्टाचार मिटाने आया हूं। सीएम केजरीवाल ने हिमाचल सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा, इस रिपोर्ट में देखिए। मिशन हिमाचल पर सीएम केजरीवाल, कुल्लू में निकाली तिरंगा यात्रा, बीजेपी पर गरजे अरविंद केजरीवाल, कहा राजनीति करने नहीं भ्रष्टाचार मिटाने आया हूं। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी चुनावी राज्यों में जीत का ताना बाना बुन रही है। हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और जीत का रास्ता तलाशा जा रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कुल्लू पहुंचे, जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा निकालकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अरविंद केजरीवाल ने कुल्लू कॉलेज गेट से लेकर ढालपुर तक 300 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। देशभक्ति गानों की लय में यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान नजर आए। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने हिमाचल के लोगों से कई वादे किए तो मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर गरजे। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था पर केजरीवाल ने हिमाचल सरकार को जमकर घेरा। ये लोग कहते हैं केजरीवाल बच्चों को फ्री में क्यों पढ़ाता है, फ्री फ्री करता रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चों की पढ़ाई फ्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सारे बड़े बड़े देशों में बच्चों की पढ़ाई फ्री है, जापान में भी बच्चों की पढ़ाई फ्री है, बड़े बड़े। हमारे देश के अंदर भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मैं पैसे नहीं खाता, मेरे स्विस बैंक में खाते नहीं है, भगवंत मान के स्विस बैंक में खाते नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, हम सारा पैसा आपके बच्चों पे खर्च करते हैं। बताने की सीएम केजरीवाल हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के गृह जिले कुल्लू में जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का कई हजार करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन पिछले 20 साल में यहां एक भी नया सरकारी स्कूल, सड़क, डिस्पेंसरी, सरकारी अस्पताल नहीं बना, तो ये सारा पैसा कहां जाता है? एक बार कांग्रेसियों की जेब में गया, ये पैसा कहां जाता है? हजारों करोड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अलग अलग गांव से आए हो, शहरों से आए हो, कई लोग यहाँ के कुल्लू के रहने वाले हो, पिछले 20 साल में एक भी नया सरकारी स्कूल बना यहाँ पे? एक भी नई सड़क बनी? एक भी नई डिस्पेंसरी बनी? एक भी नया सरकारी अस्पताल बना? फिर पैसा कहाँ गया? फिर ये हजारों करोड़ रुपया जो हिमाचल प्रदेश की सरकार खर्च करती है, ये पैसा कहाँ गया? उनकी जेब में गया। यहाँ सीएम केजरीवाल ने साफ किया है कि वे राजनीति करने नहीं भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं। उन्होंने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा है कि मात्र 100 दिन में पंजाब में बेहतर काम करके दिखाया है और भ्रष्टाचार को खत्म किया है। उन्होंने हिमाचल वासियों से वादा किया है कि शानदार सरकारी स्कूल के लिए, अच्छे सरकारी अस्पताल के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए बस एक मौका आपको बदलाव के लिए दें। ये तिरंगा जो है, तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी बान है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, लेकिन तिरंगा तब ऊंचा होगा जब इस देश के एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तिरंगा तब ऊंचा होगा जब इस देश से गरीबी दूर होगी, तिरंगा तब ऊंचा होगा जब किसान और मजदूर को पूरा दाम मिलेगा। ऐसे तिरंगा नहीं पूछा होगा, और वो केवल आज एक ही पार्टी है जो देशभक्ति और कट्टर ईमानदारी से काम कर रही है। हम अपने लिए नहीं आए, आपसे एक मौका मांगने के लिए आए हैं। आपने उन पार्टियों को इतने मौके दिए, एक मौका आम आदमी पार्टी को दे के देखो, हम काम ना करें तो मैं लात मार के भगा दूंगा। सीएम केजरीवाल ने तिरंगा यात्रा में साफ कहा है कि ये तिरंगा हमारी जान है, लेकिन ये तिरंगा तब ऊंचा होगा जब देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, गरीबी दूर होगी, किसान मजदूर को पूरा दाम मिलेगा। ऐसे में देखना होगा
कि क्या पंजाब की तरह ही केजरीवाल पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी झाड़ू चला पाएंगे, या हिमाचल की जनता के मन में कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।